सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कल हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की कौन से बिहेवियर हैं जो हमारे बिहेव करने के पीछे, या कौन से बेसिस जो ह्यूमन के बिहेव करने के पीछे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसमें इवोल्यूशन पढ़ा था कि कितना इवोल्यूशन हुआ है। तो आई होप सबको आपको अच्छे से समझ आएगा। इफ़ आपके कोई डाउट्स हैं तो आप ले सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने एंड किया था अपना पॉइंट कि देर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, दो टाइप के आपके क्या होते हैं, नर्व्स होती हैं, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स या नर्व्स, और इनको हम क्या कहते हैं, एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचाती है, हमारे CNS तक लेके जाती है। सेंसरी नर्व्स ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन द, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को हमारे क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसे हम क्या कहते हैं नर्व, सेंसरी नर्वस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, व्हेन पर्सन सी अ फ्लावर, कि एक पर्सन है जिसको फ्लावर देख रहा है, मतलब उसको फ्लावर दिखाई दिया, तो उसकी ऑर्गन्स तक क्या मैसेज गया, उसने उसको फ्लावर परसीव कैसे किया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास गई, ठीक है, मतलब उसको देख करके उसकी सेंसेस को पता चला कि ये फ्लावर है, तो उसको परसेप्शन हुआ कि वो फ्लावर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोटर की, तो मोटर नर्व कौन सी होती है, वो एफरेंट होती हैं, थोड़ी डिफरेंट नर्व्स होती हैं। इसमें क्या होता है, जो मोटर नर्व्स होती हैं उनको हम एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल और ग्लैंड्स। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हमें आगे पास करती है और हमें कमांड करती है, ब्रेन को कमांड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लावर को देख के किसी पर्सन का उस फूल को तोड़ने का मन कर रहा है, अब तोड़ने का मन तो कर रहा है लेकिन उसको कमांड कौन कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा मतलब स्टिमुलस है, जो फ्लावर के है उसके लिए स्टिमुलस है, उसको रिस्पॉन्स करना है, उसे तोड़ना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, आपकी मोटर ऑर्गन्स, ठीक है। देन हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे पास होती है, नर्व इम्पल्स के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्शन पोटेंशियल, हम इसको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। व्हेन स्टिमुलस, जब भी कोई स्टिमुलस है, व्हेन स्टिमुलस एनर्जी कम इन टू कॉन्टैक्ट विद रिसेप्टर्स, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स के कॉन्टैक्ट में कोई स्टिमुलस एनर्जी आती है, जैसे फ्लावर है हमने उसका परसेप्शन कर लिया, अब हमें उसे तोड़ने का मन कर रहा है, वो हमारी मोटर एनर्जी है, तो जो वो एनर्जी है जब वो कॉन्टैक्ट होती है हमारे रिसेप्टर के, अब तोड़ने का मन कर रहे हैं, हमारी एनर्जी है किस चीज़ की तरफ फोकस करें कि हम उसे तोड़ लें, ठीक है। एक्सटर्नल चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल चेंजिंग इन द नर्व पोटेंशियल स्टार्ट, तो हमारे उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पास फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन, अब इन्फॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में पास होती है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, वो भी नर्व इम्पल्स के थ्रू पास होती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो वन इन्फॉर्मेशन जो पास होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो किसकी वजह से हो पा रही है, नर्व इम्पल्सेस की वजह से हो पा रही है। नर्व पोटेंशियल इज अ सडन चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो नर्व पोटेंशियल है वो एक तरीके का सडन चेंज है, अचानक होने वाला चेंज है। इफ़ द स्टिमुलस एनर्जी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, अगर जो स्टिमुलस की एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड एंड कंडक्टेड टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The strength of the nerve impulse, however, does not depend on the strength of the stimulus. जो strength है किसी भी nerve impulse की, हालांकि वो क्या है, depend नहीं करती है किसी भी stimulus की strength पे. That started impulse, जो impulse करना start करता है. The nerve fiber working according to the all or none principle, जो nerve fibers होते हैं body में वो all or none principle की तरह काम करते हैं, मतलब which means that they either respond completely और डू नॉट रिस्पॉन्स एट ऑल, कि वो या तो कम्प्लीटली रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब कोई सिचुएशन नहीं है तो उसके लिए वो पूरी तरीके से रेडी हैं, या फिर वो वर्क करेंगे ही नहीं, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द नर्व इम्पल्स रिमेन कॉन्स्टेंट अलोंग द नर्व फाइबर, नर्व फाइबर के साथ जो स्ट्रेंथ है नर्व इम्पल्सिस की, वो क्या कहती है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है। देन हम बात करते हैं साइनेप्स की। साइनेप्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूरल इम्पल्स। हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे के अंदर, मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर, वो न्यूरल इम्पल्सिस की हेल्प से होती है। ए सिंगल न्यूरोन कैन कैरी ए न्यूरल इम्पल्स अप टू अ डिस्टेंस कवर्ड बाई अ लेंथ ऑफ इट्स एक्सोन,
When the impulse is to be conducted to a distant part of the body, a number of neurons participate in the process. In the process, one neuron faithfully relays the information to the neighboring neuron. मतलब इस process में क्या होता है, जो एक neuron होता है faithfully दूसरे के ऊपर rely करता है, उसके ऊपर भरोसा करता है. The axon tip of preceding neuron make functional connection or synapse with dendrites. मतलब synapse हम किसे कहेंगे, दो neurons जो मतलब आपस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर faithfully relay कर रहे हैं information pass करने में, तो जो दो neuron हैं meet करते हैं at which place, मतलब दो neuron एक साथ meet कर रहे हैं, एक जगह पे joint हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं मिल रही, इनके बीच में कुछ गैप है. देयर गैप इज दैट वाई देर आर नॉट डायरेक्टली टच्ड, वो एक दूसरे के साथ सीधे सटे नहीं हुए हैं. तो वो जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, उसे हम साइनएप्स बोलते हैं, ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट होगा उसका, उसे हम साइनएप्स बोलते हैं. फिर बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम की. स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम and their relationship with behavior and experiences. Structure and function of nervous system. हमारे nervous system का क्या structure है, क्या functions है हमारे nervous system के, and endocrine system क्या है हमारा, and उनका relationship क्या है हमारे behavior और experiences के साथ. So हम start करते हैं. Since our biological structures play an important role in an organization and execution of behavior, जो हमारे biological structures हैं वो एक important role play करते हैं हमें ऑर्गेनाइज करने में और हमारे बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने में. तो वी शैल लुक एट दीज स्ट्रक्चर्स इन सम डिटेल. इन पर्टिकुलर यू विल रीड अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम विच वर्क टुगेदर इन गिविंग अ शेप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. तो हम स्टार्ट करते हैं द नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर. जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन है ना, वो जितनी भी प्रजातियां हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारी पूरी अर्थ के अंदर पाई जाती है, सबसे डेवलप्ड क्रीचर है, क्योंकि उसे ही वो एबिलिटी मिली हुई है कि वो अपने दो पैरों पे चल सकता है, अपने दोनों हाथों का यूज़ कर सकता है और अपने दिमाग से अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकता है. उसका जो ब्रेन है वो इतना डेवलप्ड है, ठीक है, उसके ब्रेन का साइज़ उसके बॉडी की साइज़ के रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है. 2.35 किलोग्राम कल हमने पढ़ा था वो, जिसका बॉडी वेट के हिसाब से ब्रेन का वेट थोड़ा ज़्यादा है. सो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके अंदर. विच कंट्रोल बॉडीली प्रोसेस रेगुलरली, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी की जो प्रोसेस है, हम बॉडीली जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उनको वो कंट्रोल करता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है. जैसे कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है. तो ऐसे ही बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है. एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कॉन्शियस एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन बींग, और जो भी हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, जो भी हम अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं, अभी जो कर पा रहे हैं, या जो भी चीज़ हमारे प्रेजेंट में चल रही है, वो सारे होते हैं हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस. जब हमने माइंड के बारे में पढ़ा है तो उसके अंदर तीन टाइप के माइंड आते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस. तो जो हमारी कॉन्शियस चीज़ें हैं, जो हमारे प्रेजेंट में हैं, उन चीज़ों को भी हमारा नर्वस सिस्टम कमांड करते हैं, उनको भी वो रेगुलेट करते हैं, उनका ध्यान रखता है. इट वर्क्स एंड एज एन इंटीग्रेटेड होल. मतलब ये क्या करता है, एक इंटीग्रेटेड होल की तरह काम करता है. दो नर्वस सिस्टम फंक्शन एज ए इंटीग्रेटेड होल फॉर द ईज ऑफ स्टडी. मतलब एज ए होल काम करते हैं, लेकिन हम अपनी हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से इसको और अच्छे से समझ पाएँ, तो हमने इसको डिपेंड कर दिया, मतलब इसको हमने डिवाइड कर दिया इसकी लोकेशन के बेस पे, कि जो चीज़ जहाँ पे प्रेजेंट है उस हिसाब से हम उसे स्टडी कर ले, ताकि हम इजीली स्टडी भी कर पाएंगे. और बेस्ड ऑन लोकेशन द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लोकेशन के बेस पे नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द पार्ट of the nervous system found inside the hard bony cases, cranium and backbone. जो part है nervous system का वो एक hard bony cases, जैसे जो हड्डियों का ढांचा होता है ना उसके बीच में होता है, जिसको हम cranium या backbone कहते हैं, is classified as CNS. उसको हम CNS कहते हैं, central nervous system. Brain and spinal cord are the organ of this system. Spinal cord जो है हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, जिसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो क्या होती है, हमारी बैक टू नेक होती है. मतलब गर्दन से हमारी कमर से लेकर के गर्दन तक फैली हुई होती है, और उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप का फ्लूड पाया जाता है, जिसको हम पाया मैटर बोलते हैं,
ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट तरीके का फ्लड पाया जाता है. द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्लेस्ड इन द पीनस. जो नर्वस सिस्टम से अदर देन आते हैं जो पार्ट हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं. पीएनएस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, दैट इज सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न विद वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारी इच्छा से किए गए काम हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. वाइल जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म फंक्शंस ऑन विच वी हैव नो वॉलेंट्री कंट्रोल, जिन पे हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे एग्रेशन है, वो हमारी इच्छा से नहीं, हम गुस्सा करते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज स्कीमेटिकली प्रेजेंटेड. अब ये देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है नर्वस सिस्टम का, इसको अच्छे से देख सकते हैं. ये है नर्वस सिस्टम, ठीक है. फर्दर जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको, ये देखो सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब ब्रेन के अंदर भी, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ब्रेन के तीन टाइप बताए गए. फर्स्ट इज हिंड ब्रेन, ठीक है, जो हमारे पीछे की तरफ जो सिर होता है उसकी बात करें. मिड ब्रेन जो हमारे मिड में होता है, और फोर ब्रेन जो हमारे आगे की तरफ होता है, आगे का जो हिस्सा होता है वो हमारा फोर ब्रेन होता है. मिड जो बीच का है, हिंड ब्रेन जो हमारा पिछला जो हमारा सर का हिस्सा है. स्पाइनल कॉर्ड असेंडिंग पाथवेज इंटर न्यूरॉन्स एंड डिसेंडिंग पाथवे. असेंडिंग बढ़ता हुआ रास्ता, डिसेंडिंग नीचे आता हुआ, एंड इंटर न्यूरॉन्स. स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैक से लेकर के हमारी नेक तक फैली हुई होती है, जिसमें फ्लड पाया जाता है. उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरल टिश्यूज आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. न्यूरल टिश्यूज होते हैं इसमें, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाए जाते हैं. दो टाइप का होता है ये, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और SNS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ANS. तो SNS और ANS में सेंसरी मोटर नर्व्स और वॉलेंट्री आता है, मतलब वॉलेंट्री चीज़ें आती हैं. और इसमें क्या होता है, इंटरनल सिस्टम होता है, यहाँ पे आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी दो पार्ट हैं, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक. जो सिंपथेटिक होता है वो ट्रबल शूटर होता है, मतलब आपको काफ़ी हद तक तंग करता है. और पैरासिम्पथेटिक कौन सा होता है, हाउस कीपिंग होता है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे जुड़ी होती हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से लेकर के, नर्वस सिस्टम कहाँ से जुड़ा होता है, आपके ब्रेन से लेकर के आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे जा करके वो एंड होता है. तो ये क्या है, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन थी आपके न्यूरोन नर्वस सिस्टम की. अब बात करते हैं हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, द PNS इज कंपोज ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट द CNS टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है इज कंपोज ऑफ ऑल न्यूरॉन्स, वो उन सभी न्यूरॉन से मिलकर के बना है और उन नर्व फाइबर से मिलकर के बना है जो कनेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी बॉडी के साथ. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी से जॉइंट करती है. द PNS इज डिवाइड इंटू सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम. तो द PNS प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द CNS. जो पेराफेरल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर. सेंसरी रिसेप्टर यानी कि आइज, स्किन, ठीक है, ईयर्स, एंड रिले बैक मोटर कमांड फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल एंड ग्लैंड्स. और क्या करता है, रिले बैक करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मोटर कमांड्स देता है. जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल किया था कि अगर आपको फूल तोड़ने का मन कर रहा है तो वो आपकी मोटर कमांड है कि आपका उसका मन कर रहा है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको कमांड दे रहा है आपका मन कि आप वो फूल तोड़ लो. द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ नर्व कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. देर आर 12 सेट ऑफ क्रेनियल नर्व्स. 12 गुणसूत्र या 12 जोड़े कह सकते हैं, सॉरी हम 12 जोड़े कह सकते हैं हम जो क्रेनियल नर्व्स के, विच आइदर एमिनेट फ्रॉम और रीच डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द ब्रेन. जो कि कहाँ कहाँ पहुँचते हैं ब्रेन की डिफरेंट लोकेशंस में. देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. 3 टाइप की क्रेनियल नर्व्स होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. सेंसरी नर्व कलेक्ट, आपको पता है सेंसरी का मतलब क्या हो गया, जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड हो, आईज, नोज, ईयर, टच, स्मेल, ठीक है, वो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो गई. कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर ऑफ द हेड रीजन
हेड रीजन कहाँ से, विजन हमारी, ऑडिशन, स्मेल, टेस्ट, टच, ये हमारी मेन रीजन है, एंड कैरी देम टू द ब्रेन. और वो क्या करती है, उनको फिर ब्रेन तक ले जाती है, इन्फॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू लेकर के उसको हमारे वहाँ तक लेके जाना. जैसे हमने फूल को देखा था एग्जाम्पल में सेंसरी न्यूरोन्स के अंदर, कि हमने फूल को देखा और हमें कैसे पता चला, हमें अपने विजन से पता चला, विजुअल परसेप्शन से पता चला कि वो फ्लावर है, राइट. द मोटर नर्व कैरी मोटर इम्पल्सिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स ऑफ द हेड रीजन. जो मोटर नर्व है वो क्या करती है, कैरी करती है मोटर इम्पल्सिस को, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन टू मसल, जो कि हमें ब्रेन के अंदर ओरिजिन होता है. जैसे अगर मान लो हमें हाथ पे सुई लगती है या गर्म तवा हमारे हाथ पे लगता है, तो उसका लग जलता तो हाथ है लेकिन हमारे ब्रेन को पता चलता है, हम एकदम से हटा लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे जो मोटर जो न्यूरॉन्स हैं वो हमें मैसेज पास कर देते हैं कि आपका हाथ जल गया, और हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं. तो वो क्या है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है. या पिन चुभने पर भी हम ऐसा करते हैं कि हमें एकदम से दर्द होता है, तो लगी हाथ पे हमारी मसल्स को पता चला है लेकिन उसने मैसेज ब्रेन को फॉरवर्ड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ द आईबॉल्स आर कंट्रोल्ड बाई मोटर क्रेनियल नर्व्स. ये भी हो सकता है. बाकी अगर आपका जैसे अगर आपको पिन पॉइंट हुई है तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है. मिक्स नर्व हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स. मिक्स नर्व्स में कौन सी होती है, सेंसरी और मोटर फाइबर दोनों हो सकती हैं. विच कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू द टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें पैरासिम्पथेटिक का, और इधर है सिंपथेटिक का. There are 31 sets of spinal nerves coming out or reaching to the spinal cord. 31 sets हैं spinal nerves के coming out of or reaching to the spinal cord. कि वहाँ से बाहर निकलने में या वहाँ तक जो पहुँचने में spinal cord तक, ठीक है. तो total 31 nerve sets हैं. Each set has sensory and motor nerves. हर सेट के अंदर एक सेंसरी और मोटर नर्व है. स्पाइनल नर्व हैव टू फंक्शन. स्पाइनल नर्व के दो फंक्शन होते हैं. द सेंसरी फाइबर ऑफ द स्पाइनल नर्व कलेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन. पहला तो क्या है, सेंसरी फाइबर ऑफ स्पाइनल नर्व जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द हेड रीजन. सिर्फ जो सिर का हिस्सा होता है उसको छोड़ के पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एंड सेंड देम टू द स्पाइनल कोड, और फिर वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड को पास कर देना, वेयर दे आर देन कैरीड आउट टू द ब्रेन. फिर वो वहाँ से उसको ब्रेन तक ले जाती हैं. इन एडिशन, मोटर इम्पल्सिस कमिंग डाउन फ्रॉम द ब्रेन आर सेंड टू द मसल बाय द मोटर फाइबर ऑफ द स्पाइनल कोड. जबकि जो आपकी मोटर इम्पल्सिस हैं वो क्या करती हैं, वो कमिंग डाउन फ्रॉम ब्रेन से आती हैं, और वो मसल्स को क्या करती है, मतलब पहले हमारी बॉडी से सारी मैसेज हमारी स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड से हमारे ब्रेन को मिली, फिर ब्रेन ने पास आउट करके वो हमारी मसल्स को वापस भेज दिए. तो ये एक प्रोसेस हो गया. उसके बाद हम बात करते हैं द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. दिस सिस्टम गवर्न एक्टिविटी विच आर नॉर्मली नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टिविटी है, नॉर्मली क्या होती है, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती किसी भी पर्सन के. इट कंट्रोल सच इंटरनल फंक्शंस एज ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, सलाइवेशन, स्टमक कंट्रैक्शन एंड इमोशनल रिएक्शंस. मतलब इट कंट्रोल, ये किस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, जैसे हमारे जो अंदर के फंक्शंस है कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, हमारी अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है, सलाइवेशन जो हम लार जो लार गिराते हैं, जैसे लार ग्रंथि हमारी जो सलाइवेशन करते हैं, निगलते कैसे चीज़ों को, हमारा जो स्टमक कंट्रैक्शन है, ठीक है, एंड इमोशनल जो रिएक्शंस हम शो करते हैं वो सब कैसे हो रही है, तो उनको कंट्रोल करता है. दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑटोनोमिक सिस्टम आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन. जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं ऑटोनोमिक सिस्टम की, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू कंट्रोल की जा रही हैं. द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज़ टू डिविजन्स. जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट है, सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक. Although the effect of one division is opposite to the effect of the other, जो एक जो part का जो effect है वो दूसरे के opposite है. Both work together to maintain a state of equilibrium. दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के opposite हैं. The sympathetic division deal with emergencies. जो हमारा sympathetic nervous system होता है वो emergency situations से deal करता है. When the action must be quick and powerful. जब action क्या हो,
बहुत ज़्यादा तेजी का हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, सच एज इन सिचुएशन ऑफ फाइट और फ्लाइट. जब भी हम बात करते हैं भागने और भागने भाग लेने की, मतलब हम किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए जो बहुत इमरजेंसी की प्रॉब्लम है. अब उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगर आपके सामने कोई चीज़ आ गई है जिससे आपको बहुत डर लगता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? या तो आप वहाँ से भाग सकते हो डर के, या फिर अगर आप डरते नहीं हो, आप सिचुएशन को फेस कर सकते हो, तो आप उसमें भाग ले सकते हो. तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? फाइट और फ्लाइट, बचो या भागो, मतलब भागो या भाग लो, दो मतलब होते हैं इस बात के. भागो या तो भाग जाओ सिचुएशन को छोड़ के, या भाग लो, उसमें पार्टिसिपेट करो. ड्यूरिंग दिस पीरियड द डाइजेशन स्टॉप्स. इस टाइम पे क्या होता है, जब आप डरे हुए होते हो तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टॉप हो जाता है, और जो ब्लड का फ्लो होता है इंटरनल ऑर्गन्स में वो और मसल्स में, वो क्या होता है, वो सारा इंक्रीज हो जाता है. ब्रेथ रेट इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई, हार्ट रेट, ब्लड शुगर लेवल, ये सब क्या होता है, बढ़ जाता है. ठीक है, द पैरासिम्पथेटिक लेवल इज मेनली कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आप कैसे एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो, बचा रहे हो. इट मॉनिटर द रूटीन फंक्शंस ऑफ द इंटरनल सिस्टम ऑफ द बॉडी. आपकी जो बॉडी के अंदर की जो रेगुलर जो चीज़ें हैं उसको ये रूटीन करता है. व्हेन द इमरजेंसी इज ओवर, जब इमरजेंसी ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मान लो आप उस सिचुएशन से डील कर चुके हो या आप वहाँ से भाग चुके हो, तो पैरासिम्पथेटिक डिवीजन टेक ओवर. इट डिक्लेरेट द सिम्पथेटिक एक्टिवेशन एंड काम डाउन द इंडिविजुअल टू ए नॉर्मल कंडीशन. अगर आप वहाँ से डर के भागे हो, उस सिचुएशन से आप डर के भागे थे और आप बहुत डरे हुए हो, ठीक है, तो पैरासिम्पथेटिक में आकर के वो सिचुएशन क्या करती है, आपको काम डाउन करती है, मतलब आपको आपके डर को खत्म करती है. इट डिक्लेयर्ड द सिम्पथेटिक एक्टिवेशन एंड काम डाउन द इंडिविजुअल टू ए नॉर्मल कंडीशन. आप फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हो जैसे आप हो. एज ए रिजल्ट ऑल बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड फ्लो रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल. जो वहाँ पे बढ़ गया था, चाहे वो डर की वजह से हो, चाहे वो गुस्से की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, वो यहाँ पे आके आपका काम डाउन हो जाता है. देन हम बात करते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द सेंटर ऑफ ऑल न्यूरल एक्टिविटी. जितनी भी हमारी बॉडी में न्यूरल एक्टिविटीज हैं, उन सभी का सेंटर क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. इट इंटीग्रेट ऑल इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, performs all kind of cognitive activities and issues motor command to muscle and glands. जितने भी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करता है. जितनी भी इनकमिंग जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी सेंसेस हमें जो इन्फॉर्मेशन देती हैं, जितने भी तरीके की हम जो थिंकिंग प्रोसेस, जो हमारी थॉट प्रोसेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, उन सबको ये कमांड करता है, मसल्स को और ग्लैंड्स को. द सी एन एस कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. ब्रेन और स्पाइनल कोड दो चीज़ें हमारे इसमें पाई जाती हैं. द ब्रेन एंड द बिहेवियर. इट इज़ बिलीव दैट द ह्यूमन ब्रेन हैज़ इवोल्व ओवर मिलियन ऑफ ईयर फ्रॉम द ब्रेन ऑफ लोअर एनिमल्स एंड दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टिल कॉन्टिन्यूज. ये माना गया है कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन हैज़ इवोल्व, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था इस बारे में कि मिलियन ऑफ ईयर से वो इवोल्व होता है, नियर अबाउट 2 लाख ईयर्स पहले से उसकी डेवलपमेंट चली आ रही है. फ्रॉम द ब्रेन ऑफ लोअर एनिमल्स, मतलब जो लोअर एनिमल्स के ब्रेन से ज़्यादा ह्यूमन के ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, और जो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है विल कंटिन्यू. आप आज देखोगे कि ह्यूमन माइंड ने इतनी तरक्की कर लिया कि उसने रोबोटिक्स क्रिएट कर लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसने आर्टिफिशियल ह्यूमन बना लिया है. वी कैन एग्जामिन द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इन द ब्रेन. हम एग्जामिन कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, मतलब लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इन द ब्रेन. फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट फ्रॉम इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. कि जब बहुत पहले जो वो ब्रेन का जो उसका स्ट्रक्चर था या जो लेवल था, और जो आज का जो लेवल है, हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं. द लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्लम आर द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर, वाइल सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. जब हमने ब्रेन के बारे में पहले स्टडी की है 10th क्लास में, या 6th, 7th, 8th, 9th, जिस भी क्लास में हमने स्टडी किया, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्लम होता है, जो कि एक ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर था. लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूमेंट हुई है, इवोल्यूशन बढ़ा है, तो वहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ऐड हुई है इवोल्यूशन में. एन एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट इज 1.36 kg. हमने ह्यूमन ब्रेन की बात की थी. आपका क्वेश्चन यही होगा, आई नो कि मैम आपने मतलब आप 1.36 कह रहे हो, लेकिन कल हमने 2 पॉइंट समथिंग पढ़ा था, तो वो
टोटल वेट बॉडी वेट के हिसाब से उसका ब्रेन का है, लेकिन हम यहाँ एडल्ट की बात कर रहे हैं कि एन एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट 1.36 किलोग्राम एंड कंटेन अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हो सकते हैं उसके माइंड में. सो हाउएवर द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द ब्रेन इज नॉट इट्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बट इट्स एबिलिटी टू गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट. जो सबसे अच्छी बात ह्यूमन के माइंड के लिए है, ह्यूमन के ब्रेन के लिए, वो ये नहीं है कि उसके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने सारे हैं, बल्कि ये है कि उस ब्रेन की एबिलिटी कितनी अच्छी है कि वो ह्यूमन के बिहेवियर को और उसके थॉट्स को गाइड कर रहा है, उसको लीड कर रहा है. सो द ब्रेन इज ओरिजिनेटेड इनटू स्ट्रक्चर्स एंड रीजन्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. जो ब्रेन है वो ऑर्गेनाइज है एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक रीजन के अंदर, जहाँ से रह करके, मतलब उसको भी अपना एक घर मिला हुआ है कि एक वो स्कल के अंदर है, ठीक है, एक स्कल के अंदर है जहाँ पे क्या है उसको वो चीज़ें, मतलब सिचुएटेड इन स्कल, और वहाँ से वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है. ब्रेन स्कैनिंग रिवील दैट वाइल सम मेंटल फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन. ब्रेन की स्कैनिंग की जाती है, स्कैनिंग तब रिवील होती है जब कुछ मेंटल फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन. मैनी एक्टिविटीज आर लोकलाइज्ड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल द ओसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर विजन. मतलब कि ब्रेन की स्कैनिंग जब हम करते तब हमें पता चलता है कि कौन सा एरिया किसके लिए स्पेशल है. जैसे ऑक्सीपिटल जो एरिया है, ऑक्सीपिटल जो लोब है, उससे हमें यह पता चलता है कि ऑक्सीपिटल लोब हमारे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब हम देख पा रहे हैं आंखों से तो वो हम अपनी ऑक्सीपिटल लोब की वजह से देख पा रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. हम अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए ब्रेन को, भाई ब्रेन है क्या, उसको कैसे समझा जा सकता है, हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. हिंड ब्रेन. दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. हमारा पिछला हिस्सा होता है सिर का, इसके अंदर इसके जो पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के, मेड्यूला ओब्लोंगेटा. इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट एग्जिस्ट इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. मतलब कि वो पिछला हिस्सा है और वो क्या कहते हैं, लोएस्ट पार्ट है, सबसे नीचे की तरफ है. इट कंटेन न्यूरल सेंटर्स विच रेगुलेट बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़. मतलब ये क्या रेगुलेट करता है, हमारी लाइफ में जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिक, जैसे कि हम, हमारा सांस लेना, हमारी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर का जो लेवल है, उन चीज़ों को सपोर्ट करता है, बेसिक चीज़ें हैं ये. दिस इज़ वाई मेड्यूला इज नोन एज वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन. इसीलिए हमें इसे ब्रेन का वाइटल सेंटर, बड़ा सेंटर माना गया है. इट हैज़ सम सेंटर्स ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो. इसके अंदर ऑटोनॉमिक यानी कि वॉलेंट्री चीज़ें भी पाई जाती हैं. पोन्स. इट इज़ कनेक्टेड विद मेड्यूला ऑन वन साइड एंड विद द मिड ब्रेन ऑन द अदर साइड. ये क्या है, मेड्यूला के एक साइड पर और मिड ब्रेन के दूसरे साइड पर कनेक्टेड है. अ न्यूक्लियस ऑफ पोन रिसीव ऑडिटरी सिग्नल. जो आपको सुनने वाली चीज़ है, ऑडिशनल, ठीक है, सिग्नल्स रिले बाय आर ईयर, जो हमारे ईयर्स हमें सिग्नल देते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. इट इज़ बिलीव दैट पोन्स इज इन्वॉल्व इन स्लीप मैकेनिज्म. जो पोन्स का काम क्या है, पोन्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, वो हमारे स्लीप के मैकेनिज्म है. पर्टिकुलरली द स्लीप करेक्टराइज बाय ड्रीमिंग. जो ड्रीम्स लेते हुए हमें नींद आ रही होती है वहाँ से करेक्टराइज है. इट कंटेन न्यूक्लाई अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी मोमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो. और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारी जो मूवमेंट्स हैं, उसके लिए भी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है. सेरेब्लम. दिस हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कैन बी ईजिली रिकोगनाइज बाई इट्स रिंकल्ड सर्फेस. इसके रिंकल सर्फेस की वजह से हम इसे ईजिली समझ पाते हैं. इट मेंटेन्स एंड कंट्रोल पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. कैसे हम खड़े हैं, कैसे कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ को मेंटेन करता है. इट्स मेन फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्क्यूलर मूवमेंट्स. हमारी मस्क्यूलर मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना. दो द मोटर कमांड ओरिजिनेट इन द फोर ब्रेन द सेरेब्लम रिसीव एंड कोऑर्डिनेट दैम टू रिले टू द मसल्स. जो मोटर कमांड है ओरिजिनेट करती है फोर ब्रेन को, द सेरेब्लम रिसीव जो कोऑर्डिनेशन रिसीव करता है मसल तक ले जाता है. इट ऑल्सो स्टोर द मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न. जैसे हम चल रहे हैं, हमारे मूवमेंट्स क्या हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, सो वो चीज़ को भी ये मेमोराइज कर लेता है. जैसे सो दैट वी डो नॉट हैव टू कंसनट्रेट ऑन हाउ टू वॉक, डांस और राइड बाईसाइकिल. मतलब ये खुद क्या करता है, उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर लेता है और उन चीज़ों को स्टोर कर लेता है. मतलब हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें कैसे चलना है, हमें डांस करना है, हमें मतलब साइकिल कैसे चलानी है, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हम अपने आप कर रहे होते हैं. मिड ब्रेन. द मिड ब्रेन इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज एंड इट कनेक्ट द हिंड ब्रेन.
ये क्या होता है, बीच में होता है और छोटा होता है और हिंड ब्रेन से कनेक्टेड होता है विद द फोर ब्रेन. कनेक्ट द हिंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन. अ फ्यू न्यूरल सेंटर रिलेटेड टू सम स्पेशल रिफ्लेक्सेस, विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन यहाँ पे पाया जाता है. एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिड ब्रेन नोन एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि रास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर अराउजल. जो भी हमें अराउजल्स होते हैं, मतलब फियर हमारा अराउजल, अगर हमें डर लग रहा है तो हमें इस वजह से लग रहा है. इट मेक्स अस अलर्ट, हमें अलर्ट करता है ये, एंड एक्टिव बाय रेगुलेटिंग सेंसरी इनपुट्स. जब हमें किसी चीज़ का पता चलता है, हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तो हमें डर लगता है, तो वो हम अलर्ट हो जाते हैं उस चीज़ से. तो ये क्या है, सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को रखने में हमारे इन्वायरमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकॉज इट परफॉर्म ऑल कॉग्निटिव इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्योंकि जितनी भी हमारी थॉट प्रोसेस है, जितनी भी हमारी मोटर एक्टिविटीज है, वो यहाँ से होती हैं. तो वी विल डिस्कस फोर मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दैट इज हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम. हाइपोथैलेमस, द हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द स्मॉल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन. सबसे छोटा होता है बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आर बिहेवियर. इट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर. जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, मतलब उन चीज़ों को रेगुलेट करता है, सच एज हमारा जो खाना पीना, सोना चलना, हमारी बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को क्या है, मतलब फिजियोलॉजिकल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, जिनकी हमें नीड है, तो उन सब चीज़ों के बारे में. इट ऑल्सो रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर की जो चीज़ें उनको भी रेगुलेट करता है, हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, इन सब चीज़ों को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है. देन थैलेमस की बात करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ एन एग शेप क्लस्टर. इसकी जो शेप होती है वो एग शेप होती है, जैसे अंडा होता है वैसा होता है. सो न्यूरोन सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल अपर साइड पे होते हैं हाइपोथैलेमस के. इट इज़ लाइक अ रिले स्टेशन दैट रिसीव इनकमिंग सेंसरी सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड देम टू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स. ये क्या करता है, एक रिले सिस्टम की तरह काम करता है कि इन्फॉर्मेशन आ रही है एक जगह से, उसको दूसरी तरफ पास कर रहा है. इट ऑल्सो रिसीव ऑल आउटगोइंग मोटर सिग्नल्स. सारे जो आउटगोइंग मोटर सिग्नल्स हैं उनको भी ये रिसीव करता है. द लिम्बिक सिस्टम. सिस्टम इज कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द आर मेमलियन ब्रेन. इट हेल्प मेंटेनिंग इंटरनल होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल. इट हैज़ क्लोजर लिंक विद द हाइपोथैलेमस. बिसाइड हाइपोथैलेमस जो लिम्बिक सिस्टम कंप्राइज करता है हिप्पोकैम्पस एंड अमाइलगार्डा. ठीक है, अमाइलगार्डा. द हिप्पोकैम्पस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. हिप्पोकैम्पस जो है हमारा, उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी से बहुत रिलेशन है, बड़ा रिलेशन है. द जो हमारा इमोशनल बिहेवियर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अमाइलगार्डा का. द सेरिब्रम, also known as cerebral cortex, the part regulate all higher level of cognitive function. जो हम large level पर सोचते हैं, हमारी learning, हमारी attention, perception, कि हम क्या चीज़ attend कर रहे हैं, क्या चीज़ हम perceive कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, बोलने का तरीका, reasoning, problems को कैसे solve कर रहे हैं. तो cerebrum make 2/3 of the total mass of the human brain. Its thickness varies from 1.5 millimeter to 4 millimeter, which covers the entire surface of the brain and contain neurons, neural nets and bundle of axons. All these make it possible for us to perform organized action and create images, symbols, association and memories. अगर मान लो हमारे कोर्टेक्स को, सेरिब्रल कोर्टेक्स को अगर कुछ हार्म पहुँचता है, सेरिब्रम को कुछ हार्म पहुँचता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, या तो हमारी याददाश्त भी जा सकती है. ठीक है, हमारी मेमोरीज तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो फॉर टुडे दैट्स इट. कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, कल हम लोब्स के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच. एंड जो भी आपके डाउट्स हो आप अपने गूगल क्लासरूम पे डाल सकते हैं, एंड आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कीजिए. यू स्टार्ट द स्टडी यू मतलब आप लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजिकल चीज़ों को अपनाइए, उससे कुछ पॉजिटिविटी लाइए अपनी लाइफ में. सो थैंक यू सो मच.